जिलाधिकारी अनुज सिंह ने सख्त लहजे में कहा कि तहसील स्तर पर लंबित वादों का निस्तारण समय से पूरी गुणवत्ता के साथ सुनिश्चित कराया जाए, इसमें किसी भी तरह की शिथिलता बर्दाश्त नहीं होगी। डीएम ने साफ तौर पर चेतावनी देते हुए कहा कि फरियादियों को न्याय देने में अनावश्यक देरी नहीं चलेगी। गुरुवार को डीएम अनुज सिंह मिश्रिक तहसील का निरीक्षण करने पहुंचे थे। मिश्रिक तहसील से जुड़े कार्यों का जायजा लेने के बाद उन्होंने सभी अनुभागों की कार्य पंजिका का बारीकी से अवलोकन किया। न्यायालय में लंबित वादों के निस्तारण में तेजी लाने के साथ ही वादों को सीरियल से अंकित किए जाने के निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि रजिस्टर को दैनिक अपडेट रखा जाए। संग्रह अनुभाग से जुड़े कार्यों के साथ ही राजस्व वसूली की समीक्षा करते हुए आवश्यक निर्देश दिए। गांव में तालाबों में पानी भरवाने के साथ ही खराब पड़े हैंडपंपों को प्राथमिकता के आधार पर चिन्हित कर दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इसके बाद डीएम ने विश्वविख्यात मिश्रिक दधीच कुंड का निरीक्षण किया। पुजारी ने तीर्थ की जल निकासी के अलावा अन्य समस्याओं की तरफ डीएम का ध्यान आकृष्ट कराया। कुंड का तीर्थ स्वच्छ व निर्मल रहे, इसके लिए जल निकासी का प्रबंध एक सप्ताह के अंदर कराए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने नगर पालिका दिशासी अधिकारी को निर्देश दिए कि तीर्थ पर लाइट व्यवस्था, साफ सफाई सुदृढ़ कराई जाए तथा अवैध अतिक्रमण को हटाने के संबंध में कार्रवाई की जाए। डीएम ने तीर्थ को लेकर क्या कुछ आश्वासन दिया, पुजारी राहुल शर्मा ने आई इंडिया को जानकारी दी। डीएम जिलाधिकारी सीतापुर के द्वारा आज निरीक्षण किया गया है दधीच कुंड का जी। उन्होंने क्या आश्वासन दिया है? उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि तीर्थ की जो समस्याएं हैं उनका निवारण किया जाएगा। जो इसका मुख्य समस्या है वो जल निकासी की है। उन्होंने कहा है कि एक हफ्ते के अंदर समय से पूर्व यहाँ कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसकी जल निकासी का मुख्य कारण है, उसे बहुत जल्दी यहाँ जो है सुधार रूप में देखा जा सकता है और इसका जल निकासी किया जाएगा। जो तीर्थ पे निकास हैं उनकी सबकी लेखपाल के द्वारा जांच कराई जाएगी कि इनका निकास तीर्थ पे है या नहीं है, कि अवैध तरीके से उन्होंने निर्माण कर रखे हैं। तीर्थ के ऊपर जो निकास है उनको तुरंत गेट लगाने के लिए कहा गया है ईओ साहब से, और तीर्थ के ऊपर जो लोगों ने गैरेज बना रखे हैं उन गैरेजों को हटाने के लिए तुरंत कहा गया है। सफाई जो यहाँ पर नहीं हो रही है उसके लिए क्या कहा है? बिल्कुल, उन्होंने तुरंत ही कहा है कि इसकी जो सफाई है उन्होंने देखते ही ईओ साहब से तुरंत कहा कि इसकी व्यवस्थाएं देखिए, जो जर्जर लाइटें पड़ी हुई हैं उनको तुरंत तत्काल सही कराइए और यहाँ जो है सफाई कर्मियों की तैनाती और बढ़ा दीजिए। क्या नाम है? राहुल शर्मा, पुजारी दधीची कुंड। जिलाधिकारी के निरीक्षण के बाद एसडीएम गौरव रंजन श्रीवास्तव, तहसीलदार राजकुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी अजय प्रताप सिंह, अधिशासी अधिकारी रुद्र प्रताप सिंह, कस्बा इंचार्ज धर्मेंद्र बहादुर सिंह आदि मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद डीएम ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि छुट्टा जानवरों के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत में गौशाला संचालित कराने के निर्देश बीडीओ को दिए गए हैं। कि आज यहाँ पे हम मिश्रिक तहसील में इंस्पेक्शन के लिए आए थे। यहाँ पे न्यायालयों का इंस्पेक्शन किया, वसूली की इंस्पेक्शन की, जनरल साफ़ सफाई इत्यादि बाकी जो चीज़ें उनका भी मैंने आज यहाँ पे इंस्पेक्शन किया। कुछ कोर्ट वर्क में यहाँ पे तेज़ी लाने के मैंने निर्देश दिए हैं। यहाँ पे थोड़ी पेंडेंसी है, उसको ठीक करने के लिए मैंने यहाँ पे निर्देश दिए हैं। तहसील में और व्यवस्थाएं बेहतर करने, पानी पीने की व्यवस्था, लोगों के बैठने की व्यवस्था, बाकी जो अंदर जो फर्नीचर इत्यादि हैं और बाकी जो खिड़की कुर्सियां हैं, इन सबको भी ठीक करने के लिए कहा गया है। और मेरा ये मानना है कि मैं जब फिर से एक महीने बाद यहाँ पर इंस्पेक्शन करूँगा तो मुझे व्यवस्थाएँ और बेहतर यहाँ पर मिलेगी। यहाँ पर छुट्टा जानवरों की बहुत बड़ी समस्या जी जी बिल्कुल, इस संबंध में क्या निर्देश? बिल्कुल, यहाँ पर छुट्टा जानवरों के लिए हम हर न्याय पंचायत में एक गौआश्रय स्थल बना रहे और विकास और तहसील में लगा हुआ है। जमीन हम लोगों ने 32 न्याय पंचायतों में से 25 में चिन्हित कर लिया है और 7 में संचालित है, 6 में कार्य चालू हैं, शेष सभी में हम लोग बना रहे हैं। एक व्यवस्था हम लोग बना लेंगे, अगले 2 से 3 महीने में हम एक व्यवस्था यहाँ पे देंगे। सर, जो तीर्थ स्थल है उनमें से साफ सफाई के जो नगर पालिका के द्वारा कराई जाती है उसको लेकर के सर क्या? देखिए, वो साफ सफाई नगर पालिका हमारे मनरेगा और सभी के एफर्ट से वो कार्य कराया जा रहा है। उसमें पीछे एक नाला था जो कि अवरुद्ध था, जिसकी वजह से कुंड का पानी कुछ समय से वो अवरुद्ध था, तो उसको हम लोग उसको प्रवाहित कर रहे हैं कि उसको एक क्लियर रास्ता मिले और वहाँ पे कुंड और आसपास के क्षेत्र में जो गंदगी की जो समस्या है उससे स्थायी नहीं हो, वहाँ पे निदान मिले। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।